कुक टीवी। मुर्गी चोर। कन्नन मुर्गी पालन से मुर्गियां खरीदता था और हर हफ्ते उनको बाजार में बेचता था। वो मुर्गी के बिक्री से अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता था। गोपाल ने कन्नन का मुर्गी व्यापार देखा। अब वो भी उसके तरह व्यापार करना चाहता था। गोपाल ने देखा कि कन्नन कहां से मुर्गियां खरीदता था। अगले दिन गोपाल मुर्गियां खरीदने के लिए उस मुर्गी पालन को गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। यहां तो कोई नहीं है, तो मैं कुछ मुर्गियां बिना पैसों के ले सकता हूं। वो बिना किसी को पता चले कुछ मुर्गियां अपने घर ले आता है। कल मैं इनको बाजार में बेचूंगा। अगर मैं इन मुर्गियों को बेचूं, तो उस मुर्गी पालन के मालिक को पता चल जाएगा कि मैंने उसकी मुर्गियां चुराई हैं। तो उसने उन मुर्गियों को रंग में डुबा दिया। अगले दिन वो उन मुर्गियों को बाजार में बेचता है। वो मुर्गियां रंगीन थे, इसलिए वो तुरंत बिक गए। वहां पालन के मालिक ने देखा कि मुर्गियों की संख्या कम हो गई है। उस समय कन्नन वहां पहुंचा। उसने कन्नन के बोला, यहां पर कुछ मुर्गियां गुम है, पता नहीं कि उनको किसने ले ली है। आज गोपाल ने भी बाजार में मुर्गियां बेची, लेकिन वह तुम्हारे मुर्गियों जैसे नहीं थी, उसकी मुर्गियां रंगीन थी। अगले हफ्ते गोपाल फिर से मुर्गी के पालन को गया, लेकिन इस बार उसने कई मुर्गियां उठा ली। तो उसने उन मुर्गियों को रंग में डुबा दिया। अगले दिन वो मुर्गियां बेचने के लिए फिर से बाजार को गया, लेकिन इस बार वहां जोरदार बारिश हुई। तब सारी मुर्गियां बारिश में भीग गई, उससे उनकी रंग उतरी और असली रंग वापस आ गई। उन मुर्गियों को देखकर कन्नन को एहसास हुआ कि वो मुर्गियां उस पालन मालिक की हैं। तब वो उसी वक्त पालन के मालिक के पास जाता है। आपके मुर्गियों को गोपाल चुराता है, वो उनको रंगीन करके बाजार में बेचता है। चलो चल के देखने चलते हैं। गोपाल, तुमने मेरे मुर्गियां चुराए हैं, तुम इन मुर्गियों को वापस करो और पिछली मुर्गियों के पैसे दो। जी मुझे माफ करें, ये लीजिए आपके पैसे और मुर्गियां। मैं आज से और कभी भी किसी से चोरी नहीं करूंगा। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो वो कभी न कभी पकड़ा जाता है। लालची आदमी। जगन काम ढूंढने के लिए अगले शहर जा रहा था। अभी भी एक लंबा रास्ता चलना है। उस समय प्रभु घोड़े पर सवार उसी रास्ते जा रहा था। सुनिए जी, क्या आप अगले शहर जा रहे हैं? जी हाँ, मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। गर्मी ज्यादा है और मेरे पैरों में चप्पल नहीं है, कृपया क्या आप मुझे अपनी चप्पल दे सकते हैं? प्रभु ने बड़ी विनम्रता से जगन को अपनी चप्पल दे दी। वो अजीब तरह से चला, क्योंकि इससे पहले उसने कभी चप्पल नहीं पहनी थी। कुछ दूर चलने के बाद वो प्रभु के पास फिर से गया। कृपया क्या आप मुझे अपनी छाता दे सकते हैं? आप जल्द ही अपने घर पहुंचेंगे क्योंकि आप घोड़े की सवारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत आगे जाना है। प्रभु को जगन पर दया आई और उसने उसे छाता दे दी। फिर जगन ने छतरी पकड़कर चलना शुरू कर दी। तेज हवाओं के कारण वो छतरी को ठीक से पकड़ नहीं सका। कुछ घंटे बाद जगन अगले शहर पहुंच गया। वहां उसने उस आदमी को देखा जिसने उसे एक छाता और एक जोड़ा चप्पल दिया था। मुझे बहुत आगे जाना है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे अपनी चप्पल और छाता दे दी। अब अगर मैं उनसे उनका घोड़ा पूछूं तो मुझे नहीं लगता कि वह ना कहेंगे। मैं एक बार कोशिश करता हूं। महोदय, अभी मुझे एक लंबा रास्ता तय करना है। यदि आप मुझे अपना घोड़ा देंगे तो मैं शाम को आपके घोड़े को वापस कर दूंगा। उसने शुरू में चप्पल और एक छाता मांगा और अब वह मेरा घोड़ा चाहता है। अब मुझे उसे सबक सिखाना चाहिए। मेरे घोड़े की आक्रामक प्रकृति के कारण वह उसको काबू नहीं कर पाएगा। इस घोड़े को लेकर जाओ। जगन खुशी से घोड़े पर सवार हो गया। कुछ दूरी तय करने के बाद, हमें इस आदमी को सबक सिखाना चाहिए क्योंकि इसने हमारे मालिक के अच्छे चरित्र को गलत समझा। घोड़ा तेजी से दौड़ के सामने के पैर को उठाकर जगन को नीचे धकेल देता है। जब मुझे चप्पल और एक छाता मिला तब मुझे उसी से संतुष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन यह मेरे लिए एक अच्छा सबक है क्योंकि लालच से मैं घोड़े पर सवार होने के बारे में सोचा था। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि अगर हमें अपने लालच के कारण दूसरों की चीजें मिलती हैं, तो यह हमें अधिक समय तक खुश नहीं रखेगी या हमारे पास ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। मच्छी करी बेचने वाला।
जेकब और लुसी दोनों मच्छी तलने और मच्छी करी के व्यापार में थे। जेकब बाजार गया और उस दिन के कारोबार के लिए मछली खरीदी। लुसी, इन मछलियों को साफ करो, हमें व्यापार के लिए जाना है। ठीक है, मैं उन्हें साफ कर दूंगी। उस समय जब लुसी मछलियों की सफाई कर रही थी, कुछ छोटी मछलियां जिंदा थीं। मैं इन छोटी मछलियों को नहीं पकाऊंगी, मुझे शायद इन छोटी मछलियों को अपने तालाब में छोड़ देना चाहिए। लुसी ने उन छोटी मछलियों को बचाने के लिए उनको तालाब में छोड़ा। दो दिनों के बाद भारी बारिश हुई और तालाब पानी से भर गई। हर बार वो छोटी मछलियों को तालाब में छोड़ देती थी। कुछ महीने बाद जेकब मछली बाजार गया और मछली खरीदे बिना वापस लौट आया। आपने आज मछली क्यों नहीं खरीदी? आज मछली की कीमत ज्यादा थी, इसलिए मैंने मछली नहीं खरीदी। अगले दिन जेकब उदास था, वो बाहर टहलने गया। तालाब के पास पहुंचते ही उसने देखा कि मछलियां खेल रहे थे। लुसी, आओ और हमारे तालाब को देखो। वे दोनों तालाब में इतने मछलियां देखकर आश्चर्यचकित थे। लुसी, पहले तो हमारे तालाब में मछलियां नहीं थीं, लेकिन अब कई मछलियां हैं, यह कैसे संभव है? मैं तालाब में जिंदा लाई गई छोटी मछलियों को छोड़ देती थी, वे बड़े हो गए और अब मछलियां ज्यादा हो गए हैं। हमें अब मछलियां खरीदने की जरूरत नहीं होगी, अब हम इन मछलियों को पकड़ कर बेच सकते हैं। लुसी, तुमने दया भाव से छोटी मछलियों को तालाब में छोड़ा था, अब वो बढ़ गए और हमारा समस्या हल कर दिए। जेकब और लुसी दोनों ने जाल से तालाब की मछलियां पकड़ी। बाद में उन्होंने मछली करी व्यापार से मुनाफा कमाया। हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि जीवन में किए गए छोटे मोटे अच्छे काम आगे हमें संकट के समय सहायता करती है। जादुई जूते। पवन अपने दादाजी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। पवन, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं कुछ धार्मिक स्थानों पर जाना चाहता हूँ, तो अब तुमको अपनी आवश्यकताओं के लिए काम करना होगा। ठीक है दादाजी, आप सुरक्षित जाकर वापस आओ। घर में एक बक्सा है, यदि तुमको कोई समस्या होती है तो बक्से में रखी चीज का उपयोग करना, यह तुम्हारे सिवा किसी को लाभ नहीं देगा। ठीक है दादाजी। पवन एक खेत के मालिक के पास नौकरी मांगने गया। कृपया मुझे आप कुछ काम दीजिए। यहाँ सभी कामों के लिए लोग हैं, लेकिन नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाले और नारियल तोड़ने वाले नहीं हैं। क्या तुम यह काम कर सकते हो? हाँ, मैं यह काम करूँगा। ठीक है, कल नारियल के खेत में जाना और नारियल तोड़ना। जी, मैं कल जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि पेड़ पर कैसे चढ़ते हैं, लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं कल काम को आ जाऊंगा, तो मैं अब क्या करूं? पवन घर आया और घर के पास वाले नारियल के पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास करने की कोशिश की, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वो पेड़ पर नहीं चढ़ सका। अगले दिन, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, अब मैं क्या करूं? देखता हूं कि दादाजी ने बक्से में क्या रखा है। अगर मुझे उस बक्से से पैसे या सोने के गहने मिलते हैं, तो मैं एक अच्छा व्यवसाय शुरू कर सकता हूं। पवन ने बक्सा खोला और देखा कि बक्से में केवल एक जोड़ी जूते हैं। मेरे पास जूते नहीं हैं, मैं इन्हें पहनकर पता लगाऊंगा कि क्या बाहर कोई और काम है। जूते पहनने के बाद वो बहुत दूर चला गया और एक आम के पेड़ के पास खड़ा हो गया। मुझे नौकरी तो नहीं मिली और अब मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मुझे पता होता कि पेड़ पर कैसे चढ़ना है, तो कम से कम मैं कुछ आम खा सकता था। जब उसने ऐसा सोचा, वो तब तुरंत उड़ने लगता है और आम के पेड़ के डाली पर खड़ा हो जाता है। पेड़ पर कुछ फल तोड़ने के बाद वो जादुई जूतों की शक्ति के साथ नीचे आ जाता है। फिर वो नारियल के खेत में गया। वो जादुई जूतों की मदद से पेड़ पर चढ़ गया और ढेर सारे नारियल तोड़ लिए। उस समय खेत का मालिक वहां पहुंचा। पवन, तुमने अब तक बहुत सारे नारियल तोड़ लिए हैं, तुम बाकी काम कल कर लेना, यह लो तुम्हारे पैसे। अगले दिन जब पवन काम करने जा रहा था, उसने एक लड़के को नदी में गिरते हुए देखा।
मैं तैरना नहीं जानता, अब मैं क्या करूं? जैसे ही पवन ने यह सोचा, उसने पानी के ऊपर उड़ान भरी और लड़के को बचा लिया। पवन, तुमने मेरे बच्चे को नदी में डूबने से बचाया, कृपया करके यह पैसे कबूल करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं यह पैसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह हमारा कर्तव्य है कि हम खतरे में पड़े लोगों की मदद करें। मेरे दादाजी ने मेरे लिए जो जादुई जूते रखे थे, वे बहुत मददगार साबित हुए, और अब से मैं उनका उपयोग केवल दूसरों की मदद करने और पेड़ों पर चढ़ने में करूँगा। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि हमें जो भी चीजें मिले, हमें हमेशा उनका सदुपयोग करना चाहिए।